हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। लास्ट सेशन में हमने डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है और क्या डिफरेंस है हमने उसकी स्टडी की, एंड आज हम करेंगे डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल की पीस थ्योरी, जिसको हम पीस थ्योरी ऑफ डिसआर्मामेंट भी कहते हैं। जी किस चीज को फेवर करती है? जी कहती है अगर डिसआर्मामेंट होगा, डिसआर्मामेंट से हम सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है, हम उसको अचीव कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस को अचीव करना चाहते हैं तो डिसआर्मामेंट सबसे बेस्ट पॉलिसी है। अदरवाइज टेस्ट इन्वायरमेंट रहेगा। टेस्ट इन्वायरमेंट क्या क्रिएट करता है? ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। हमको ऐसे लगता है कि वॉर हो सकती है। हर टाइम हम डिफरेंट सिचुएशन में रहते हैं जिसमें हम अपनी डेवलपमेंट नहीं करते। इसमें कंफ्लिक्शंस क्रिएट होती हैं, अग्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए पीस थ्योरी जो जे डिमांड करती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो पीस थ्योरी जे ही कहती है डिसआर्मामेंट इट इज क्योर पीस सिक्योरिटी प्रोस्पेरिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो जो एक नेशन के गोल होते हैं उनके नेशनल इंटरेस्ट में पीस सिक्योरिटी प्रोस्पेरिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट गोल है, जो इम्पोर्टेंट गोल हम डिसआर्मामेंट के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। वैसे तो डिसआर्मामेंट की हिस्ट्री 400 इयर्स ओल्ड है, लेकिन 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में डिसआर्मामेंट टॉक्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। तो डिसआर्मामेंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पूरा वर्ल्ड जे डिमांड कर रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, पीस होनी चाहिए, तो उसके बाद डिसआर्मामेंट की प्रोसेस है, कॉन्फ्रेंसेस है, समिट्स है, जो बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। डिसआर्मामेंट की जो टॉक्स थी, इन टॉक्स की वजह से ही जो कोल्ड वॉर है वो भी खत्म हो पाई है, जिसके लिए बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस थी, स्टार्ट से एनएफटी थी। तो इन्होंने ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है ताकि कोल्ड वॉर खत्म हो सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पीस के लिए। जे ही डिमांड करती है इंटरनेशनल लेवल पर पीस होनी चाहिए अंगेंस्ट वॉर। हम वॉर के अंगेंस्ट हैं और चाहते हैं पीस क्रिएट हो। एंड इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्डर होना चाहिए अंगेंस्ट अनार्की। हम अनार्की के अंगेंस्ट हैं, सभी को प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना चाहिए। तो इसके लिए डिसआर्मामेंट सबसे बेस्ट थ्योरी है एंड इसको फेवर करती है पीस थ्योरी। जो आर्गुमेंट्स हैं, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ पीस थ्योरी, वो क्या कहते हैं कि आर्मामेंट है, अगर हम आर्मामेंट को इंक्रीज करेंगे तो इससे वॉर होने का जो खतरा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इसके फेवर में क्या कुछ कहा जा सकता है? फर्स्ट वन इज आर्मामेंट्स लीड टू वॉर, बट डिसआर्मामेंट कैन लीड टू पीस। अगर हम आर्मामेंट प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, आर्मामेंट वॉर की तरफ लेकर जाती है, अगर डिसआर्मामेंट हो गया तो जे पीस की तरफ लीड करते हैं। तो आर्मामेंट के रिगार्डिंग क्या कहते हैं? कहते हैं जो आर्मामेंट है, हम बहुत ज्यादा स्टॉक पाइल्स है, वेपन्स है, इनको इंक्रीज कर रहे हैं, तो जे भी तो मेन कोज है वॉर का, और आर्मामेंट ही है। आर्मामेंट की वजह से पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आर्मामेंट रेस है वो स्टार्ट होती है। हर एक कंट्री यही चाहती है हमारे पास बहुत सारे आर्मामेंट होने चाहिए। तो आर्मामेंट से आर्मामेंट रेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आर्मामेंट रेस होगी तो इसका रिजल्ट क्या होता है? वॉर होती है। तो वॉर का एक मेन कॉज क्या है? आर्मामेंट। एंड इस कॉज ऑफ वॉर को कौन खत्म कर सकता है? डिसआर्मामेंट। जो डिसआर्मामेंट है इट इलिमिनेट द कॉज ऑफ वॉर, वॉर का कॉज ही खत्म कर देता है, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज हैं डिसआर्मामेंट के थ्रू अपने अपने वेपन्स हैं,
अपने आर्मामेंट्स हैं इनको इलिमिनेट कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। इसलिए डिसआर्मामेंट से ही वॉर का जो मेन रीजन है वो खत्म हो जाएगा। जब हमारे पास आर्मामेंट्स ही नहीं होंगे हम लड़ेंगे भी कैसे? तो जे कहते हैं जे इलिमिनेट कर देता है कॉज ऑफ वॉर, एंड जे पीस की एक डायरेक्ट अप्रोच है। डिसआर्मामेंट के थ्रू ही हम पीस को क्रिएट कर सकते हैं, एंड जो डिसआर्मामेंट है इट स्ट्रेंथन द प्रोसेस ऑफ पीसफुल सेटलमेंट। जी किसको इनकरेज कर रहा है? प्रोसेस ऑफ पीसफुल सेटलमेंट। इंटरनेशनल लेवल पर अगर हमारे कंफ्लिक्ट है, कंफ्लिक्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इन कंफ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हमको जरूरत है डिसआर्मामेंट की। अगर डिसआर्मामेंट होगी तभी तो हमारे कंफ्लिक्शंस हैं जे कंफ्लिक्शंस खत्म हो सकते हैं। नंबर टू, आर्मामेंट्स लीड टू मिलिट्रीइज्म एंड देन टू वॉर। अगर हम आर्मामेंट की बात करते हैं, आर्मामेंट से मिलिट्रीइज्म है वो इंक्रीज होता है और जिसके बाद वॉर स्टार्ट हो जाती है। जैसे आर्मामेंट्स होंगे, आर्मामेंट होने से हमारे पास फिजिकल वेपन्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। जितने भी फिजिकल वेपन्स इंक्रीज होते हैं जे नेशन में कौन सी फीलिंग को क्रिएट करते हैं? फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। तो आर्मामेंट की वजह से क्या होती है? जितने भी नेशंस हैं वो इनसिक्योर हो जाते हैं। तो आज के टाइम में मिलिट्री पावर जे नेशनल पावर के रूप में देखी जाने लगी है। तो जो नेशनल पावर है इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री एंड आर्मामेंट्स इससे कंसीडर किया जाने लगा है। तो हर एक कंट्री ये ही कहती है कि मुझको सुपर पावर बनना है, मुझको अपनी नेशनल पावर दिखानी है। तो वो सॉफ्ट पावर नहीं, फोर्स थ्रेट का यूज कर रहे हैं, वो मिलिट्री का आर्मामेंट का यूज कर रहे हैं। इसीलिए नेशनल पावर है, नेशनल पावर को मिलिट्री के थ्रू हम शो कर रहे हैं। अगर एक कंट्री अपनी नेशनल पावर आर्मी के थ्रू वेपन्स के थ्रू दिखा रही है तो दूसरी कंट्री भी इसी रेस में लग जाती है कि मुझको भी अपनी कंट्री की नेशनल पावर दिखानी है। और इसके लिए वो यही काम करती है, आर्मामेंट प्रोसेस में फास्ट हो जाती है। और इससे क्या होता है? जो नेशंस हैं इनके बिटवीन म्यूचुअल जेलसी एंड राइवलरी कंडीशंस हैं वो क्रिएट होती हैं, टेंशन क्रिएट होती है और इसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है वॉर। इस तरह जो आर्मामेंट है वो मिलिट्रीज्म एंड वॉर को क्रिएट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल ले इंडिया एंड पाकिस्तान की, हम अगर हमारे पास बहुत सारे आर्मामेंट्स हैं इसीलिए तो हमारे कंफ्लिक्ट है, हमारे कंफ्लिक्ट कोऑपरेशन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, हम बॉर्डर पर आर्मामेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर आप हम पर अटैक करोगे तो हम भी रेडी हैं। तो वॉर की सिचुएशन क्या है? बनी हुई है। तो ये क्या है? मिलिट्रीइज्म को इंक्रीज करना, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? वॉर होता है। तो पीस थ्योरी ये ही कहती है अगर हम आर्मामेंट को खत्म कर देंगे तो वॉर है, वॉर भी हम खत्म कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, इलिमिनेशन ऑफ वेपन्स एंड रिड्यूस मैनी टेंशन्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। जो डिसआर्मामेंट है, डिसआर्मामेंट क्या करता है? वेपन्स को इलिमिनेट कर देता है। अगर इलिमिनेशन ऑफ वेपन्स हो जाएंगे तो जो बहुत सारे टेंशन्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन में उनको भी खत्म कर देगी। तो जी कहते हैं जब हम डिसआर्मामेंट की बात करते हैं, डिसआर्मामेंट इट लीड्स टू इलिमिनेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिटीज ऑफ वॉर। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स ही क्या हो जाते हैं? इलिमिनेट हो जाते हैं। इसलिए डिसआर्मामेंट की प्रोसेस होनी चाहिए, इससे ही इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो हमारे स्मूथ बन जाएंगे। इस वजह से ही जो एग्जिस्टिंग टेंशंस हैं, कंफ्लिक्शंस हैं वो कम हो पाएंगी। तो इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी बॉर्डर कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट वहां पर जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको हम कोऑपरेशन से खत्म कर सकते हैं। तो ये आर्गुमेंट्स हैं इन द फेवर ऑफ पीस थ्योरी। लेकिन कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि डिसआर्मामेंट की प्रोसेस है इससे पीस क्रिएट नहीं की जा सकती, तो इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो क्रिटिसिज्म ऑफ द पीस थ्योरी ऑफ डिस
disarmament and arms control. First one is armament is not only the cause of war. कहते अगर आपके पास armaments हैं क्या armament की वजह से ही war हो रही है? अगर war होनी है war के causes तो बहुत सारे हो सकते हैं. सबसे बड़ा cause क्या है? Political tensions, political rivalries. अगर हम वॉर करना चाहते हैं, नेशन लड़ना चाहती हैं, इसीलिए तो लड़ाई हो रही है. अदरवाइज आर्मामेंट की वजह से कभी भी लड़ाई नहीं होती है. तो आर्मामेंट एक अकेला ऐसा कोर्स नहीं है जिस वजह से आप जे कहोगे कि इस वजह से ही वॉर हो रही है. तो जो हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है वो सॉल्व नहीं हो रही, कंफ्लिक्शन क्रिएट हो रही है, तो जे तो भी बहुत बड़ा इशू है. तो इस इशू की वजह से ही वॉर हो रही है, आर्मामेंट की वजह से नहीं हो रही. नंबर टू, आर्मामेंट डिटर वॉर. जो आर्मामेंट है, आर्मामेंट तो जो वॉर है इसको डिस्करेज करते हैं. आर्मामेंट की वजह से ही डिटरेंस ऑफ वॉर हो रहा है, क्योंकि हमको भी पता है सामने वाले के पास आर्मामेंट्स हैं. अगर हमने वॉर की तो वो हम पर भी अटैक करेगा, उसका लॉस होगा तो हमारा उससे भी ज्यादा लॉस होगा. तो इससे हम क्या होते हैं, डर जाते हैं. आज के टाइम में जितने भी आर्मामेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, फीलिंग एक क्रिएट कर रहे हैं जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर पीस को क्रिएट करते हैं. वो फीलिंग है डर की. अगर हम इसके साथ लड़ाई करेंगे तो हम पर भी लड़ाई हो सकती है. इसीलिए डिसआर्मामेंट क्या करते हैं, वॉर को डिटर करते हैं, डिस्करेज करते हैं. आज के टाइम अगर हम एग्जांपल दें न्यूक्लियर वेपन की, तो आप क्या हम न्यूक्लियर वेपन से नहीं डरते? तो आज के टाइम में पूरा वर्ल्ड है न्यूक्लियर वेपन से डर रहा है. जो जापान में 1945 में नागासाकी एंड हिरोशिमा में हुआ था उसके रिजल्ट आज तक इतने भयानक है, कोई भी कंट्री वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकती. थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम डर रहे हैं, हम डरते हैं अगर लड़ाई हुई तो न्यूक्लियर वेपन यूज होंगे, जिससे पूरा वर्ल्ड है वो बहुत ज्यादा टाइम्स डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो आर्मामेंट तो वॉर को डिटर करते हैं, तो आर्मामेंट वॉर का कोर्स नहीं है. नेक्स्ट इज विल टू वॉर एंड नॉट वेपन्स लीड टू वॉर. इसका मीनिंग क्या है कि अकेले हथियार ही नहीं है जो लड़ाई करवाते हैं, आपकी विलिंगनेस है जो वॉर कराती है. विलिंगनेस टू वॉर, अगर हम लड़ना चाहते हैं जो आर्मामेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं. हमारे घर में छोटे छोटे से हथियार होते हैं, नाइफ्स होते हैं, लाठीज होती हैं, स्टोन्स होते हैं, हम इनके साथ भी लड़ सकते हैं. आज के टाइम में टेक्नोलॉजी के टाइम में टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कितना ज्यादा लड़ा जा सकता है. न्यूक्लियर वेपन की भी जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अटैक, साइबर अटैक क्या कुछ नहीं कर सकता. तो इसका मीनिंग क्या है कि विल टू वॉर वही है जो एक वॉर का कोर्स है, वेपन्स वॉर का कोर्स नहीं हो सकते. नेक्स्ट इज डिसआर्मामेंट कैन नॉट ब्रिंग पीस. डिसआर्मामेंट से आप कहते हो पीस आ जाएगी, डिसआर्मामेंट से पीस नहीं आती, बल्कि अग्रेशन इंक्रीज होता है. डिसआर्मामेंट, हमारे पास भी हथियार नहीं है, आपके पास भी हथियार नहीं है, लेकिन फिर भी पीस क्रिएट नहीं की जा सकती. पीस क्रिएट करने के लिए कोऑपरेशन होना चाहिए, फ्रेंडशिप की फीलिंग होनी चाहिए, तभी पीस क्रिएट हो सकती है. अकेले हथियार खत्म करने से पीस क्रिएट नहीं की जा सकती. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल हार्मनी कैन बी अ सोर्स एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिसआर्मामेंट. अगर आप कहते हो डिसआर्मामेंट के प्रोसेस से इंटरनेशनल हार्मनी है, इसको हम अचीव कर सकते हैं, तो जिक मेन सोर्स हो सकते हैं, लेकिन डिसआर्मामेंट की वजह से नहीं हुआ, बल्कि आर्मामेंट की वजह से भी जो हार्मनी है इसको हम क्रिएट करे हुए हैं. आज के टाइम में जब हम न्यूक्लियर वेपन्स का टॉपिक करेंगे उसमें देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन के डर की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हार्मनी क्रिएट हुई पड़ी है. तो प्रोडक्ट किसका है, आर्मामेंट का है, ना कि डिसआर्मामेंट का प्रोडक्ट है. इंटरनेशनल लेवल पर जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जरूरत है आप एक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि दूसरी कंट्री है वो भी अपना अग्रेशन है अग्रेशन ना शो कर पाए. तो ये थी क्रिटिसिज्म ऑफ पीस थ्योरी. तो हम इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, हम इसको कहते हैं
कि डिसआर्ममेंट है, इट इज पार्शियल ट्रुथ ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट। अगर हम कहें इंटरनेशनल लेवल पर पीस एंड सिक्योरिटी है सिर्फ डिसआर्ममेंट के साथ ही पूरी की जा सकती है तो ये गलत है, ये पार्शियल ट्रुथ है। आज के टाइम में जितनी भी कंट्रीज है उन कंट्रीज में आर्मामेंट की प्रोसेस फास्ट हुई है। हम इंडिया की एग्जांपल ले ले, इंडिया में भी आर्मामेंट प्रोसेस है फास्ट हुई है, डिफेंस बजट है हर साल इंक्रीज होता जा रहा है। सो हम ये कह सकते हैं डिसआर्ममेंट कैन बी अ मींस ऑफ पीस बट नॉट द ओनली मींस। जे एक मीन्स हो सकते हैं, एक साधन हो सकते हैं जिससे पीस क्रिएट हो सकती है, लेकिन जे ओनली एंड ओनली मीन नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मीन्स हैं जिससे हम इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, इसको इनकरेज कर सकते हैं। हम फुल कोऑपरेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, इकोनॉमिक ट्रेड से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी आपस में कोऑपरेशन है, इंटरनेशनल पीस है, सिक्योरिटी है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने सेशन में डिसआर्ममेंट की, पीस थ्योरी की, नेक्स्ट सेशन में हम इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डिसआर्ममेंट करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।